तो आज जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल के लिए एनसीईआरटी की बुकलेट आपको भी डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो उसमें देखेंगे। तो उसके अंदर एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं, जैसे कि हमने प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर किया था, मैं आपको एक्सप्लेन किया था, उसकी थ्योरी आपको यहाँ मिलेगी। ठीक, उसी तरीके से जो अगला टॉपिक है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो कॉमन पोटेंशियल, एनर्जी स्टोर्ड, ये सब एक ही सीक्वेंस में है। तो हम डिस्कस करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो एनर्जी स्टोर्ड में कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि अगर मैं तीन कैपेसिटर्स सीरीज में लगाऊं एक बैटरी के साथ, या मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लगा लूं उसी बैटरी के साथ, तो एनर्जी चाहे तीन में डिवाइड करवा लो या अकेले में ले लो इक्विवेलेंट में, आंसर विल रिमेन सेम। एनर्जी सेम ही रहेगी, कैपेसिटर्स के बीच में रहेगी। कैसे? जैसे सपोज करो आपके पास कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है तीन, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है सी एस, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगेगा? देखो, एनर्जी के काफी तीन फॉर्मूलाज है। पहला फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। सीरीज के अंदर क्यू रिमेन्स सेम, पैरल के अंदर वी रिमेन्स सेम। तो कोशिश करो जब क्वेश्चन सीरीज पे हो तो एनर्जी का फॉर्मूला यूज करो हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, और जब कैपेसिटर्स पैरल में हो तो यूज करो हाफ सी वी स्क्वायर। तो कैपेसिटर इसमें सीरीज में कनेक्टेड है, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी एस। अब मुझे पता है सीरीज में 1 बाई सी एस क्या होता है, 1 बाई सी वन, 1 बाई सी टू, 1 बाई सी थ्री। आप 1 बाई सी एस की जगह पुट करो 1 बाई सी वन, 1 बाई सी टू, 1 बाई सी थ्री, ओपन करो, दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट कैपेसिटर, सेकेंड कैपेसिटर एंड थर्ड कैपेसिटर। तो प्रूव हो गया एनर्जी कंजर्वेशन। सेम पैरल के अंदर कर सकते हो। अब पैरल के अंदर तीन कैपेसिटर अगर पैरल में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीपी, पोटेंशियल वी की वैल्यू रिमेन सेम, तो एनर्जी क्या है, हाफ सीपी वी स्क्वायर। और सीपी होता क्या है, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, पुट कर दो, इसे ओपन करो, एनर्जी इन फर्स्ट कैपेसिटर, सेकेंड कैपेसिटर एंड थर्ड कैपेसिटर। क्लियर है यहां तक? तो ये आपका एक्सप्रेशन है। और नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन पोटेंशियल।